आप लोगों में से कई लोगों ने अपना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करा लिया होगा, पर कई लोग अभी तक अपना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए होंगे। एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा। बहुत साल पहले एक प्रदेश में एक राजा रहता था। उस राजा से मिलने एक व्यापारी आया, और जैसा पुराने दिनों में होता था, राजा से अगर कोई मिलने जाता था तो वो राजा के लिए भेंट लेके जाता था। तो उस व्यापारी ने भी राजा को एक बहुत ही कीमती पत्थर, काफी बड़ा सा पत्थर भेंट में दिया। राजा काफी प्रसन्न हुआ और उसने सोचा कि क्यों ना अपने राज्य में किसी शिल्पकार को पकड़ के इस पत्थर से अपनी मूर्ति बनवाई जाए। तो उसके राज्य में जो सबसे बढ़िया शिल्पकार था, उसको वो पत्थर दिया गया कि भैया आपके राजा ने इच्छा जाहिर की है कि उनकी मूर्ति इस पत्थर से बनाई जाए, और उसके बदले में हम आपको 50 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। शिल्पकार बड़ा मेहनती था, उसने काम चालू किया, पर वो पत्थर इतना मजबूत था कि कम से कम 49 बार उसने हथौड़ी मारा, पर पत्थर ज्यों का त्यों बिल्कुल भी ना टूटा। जैसे ही वो 50वीं बार मारने जा रहा था, उसने सोचा 49 बार मार चुका हूँ, ये पत्थर नहीं टूटा है, तो अब क्या फायदा 50वां हथौड़ा मार के, और उसने छोड़ दिया, गिव अप कर दिया। राजा के मंत्री वो पत्थर उठा के एक ऐसे शिल्पकार को दिया जिसका नाम बिल्कुल भी नहीं था, और उस शिल्पकार ने जैसे ही पहला हथौड़ा मारा, वो पत्थर टूट गया। उसने राजा की मूर्ति बना दी और उसे वो 50 स्वर्ण मुद्राएं मिल गई। हम जब अपना करियर शुरू करते हैं तो सोच के ठान के निकलते हैं कि कोई भी मुश्किल कठिनाई आए जिंदगी में, हम उसका डट के सामना करेंगे, पर कई बार शायद वो आखिरी हथौड़ा हम नहीं मार पाते हैं, हार मान लेते हैं और फायदा कोई और उठा के ले जाए। तो दोस्तों, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन अगर आप लोगों ने नहीं कराया है तो जरूर कराइए। कोई नुकसान नहीं है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराने में, पैसे भी नहीं लगते हैं, ऑनलाइन हो जाता है सारा काम। 5 से 10 मिनट में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होके इमीडिएटली आपको वहीं पे आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन शो हो जाएगा, जो आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। इसके फायदे बहुत हैं। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कई सारे ऐसे स्कीम्स लेके आती है जिसमें एमएसएमई को कई विशेष प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। अभी के माहौल में गवर्नमेंट ने 3 लाख करोड़ तक का लोन एमएसएमई को 9.25% पे देने का फैसला किया है। 9.25% पे, सोचिए, होम लोन भी नहीं मिलता 9.25% पे, और बिजनेस लोन मिल रहा है 9.25% पे, और वो भी बिना कोलेटरल के, और गारंटी भी सरकार दे रही है। फ्रेंड्स, मैं हूं सीए हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सरल फाइनेंस। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन और उद्योग आधार दोनों सेम है। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं आप अपना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन किस तरह खुद से भर के अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप लोगों ने एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है ऑलरेडी, तो अगर उसमें आप लोगों को कोई अपडेट करना है, कोई अमेंडमेंट करना है, तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह से आप उसमें अमेंडमेंट कर सकते। एक बहुत ही जरूरी बात उद्योग आधार या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई यह है कि लोगों को ये मालूम नहीं है कि उद्योग आधार अप्लाई करना केवल 50% काम है, उसके बाद भी एक छोटा सा काम करना जरूरी रहता है अपना उद्योग आधार को एक्टिवेट कराने के लिए। उसके लिए आप लोगों को एमएसएमई डाटा बैंक की एक वेबसाइट है, वहां पे अपना डाटा बैंक भी अपडेट करना जरूरी होता है, तभी आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कहलाता है। तो आइए काउंटडाउन शुरू करते हैं और जानते हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है खुद से। बहुत ही आसान है, सिंगल पेज का फॉर्म है, कुछ डिटेल्स डालनी है। जैसे ही डिटेल्स डालेंगे, सबमिट करेंगे, आपका उद्योग आधार एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होके आपको मिल जाएगा। और इसमें एक खास बात और है, एप्लीकेशन करते वक्त आपको कोई डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना होता है, कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना होता है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन उस सिंगल पेज के फॉर्म में मांगी गई है उतना सा भर दीजिए और आपका रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा। तो पूरे फॉर्म को एक एक करके समझते हैं, थोड़े से देर में ही समझ लेंगे। लंबा चौड़ा फॉर्म नहीं है, छोटा सा फॉर्म है। वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस लिंक को क्लिक करके जा सकते हो, या गूगल पे उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन टाइप कर लीजिए, जो वेबसाइट आएगी उस पे क्लिक करिए। सबसे पहले आपको आपका आधार नंबर डालना होगा, और एज पर आधार आपको नाम डालना होगा, सबमिट करना होगा, एक ओटीपी आएगा। ओटीपी जैसे ही डालोगे, फॉर्म खुल जाएगा आपके सामने में। फॉर्म खुलते ही उस फॉर्म में कुछ इस प्रकार की डिटेल्स रहेंगी जो आपको सिर्फ भरना रहेगा। तो सबसे पहले आपसे आपका सोशल कैटेगरी पूछेगा। सोशल कैटेगरी मतलब कि आप एज एप्लीकेंट शेड्यूल कास्ट में है, शेड्यूल ट्राइब में है, अदर बैकवर्ड क्लास में है, या जनरल कैटेगरी में। तो कैटेगरी अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपसे आपके बिजनेस का नाम पूछेगा, आप अपने बिजनेस का नाम डाल दीजिए, जिस भी नाम से आप अपना बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस का नाम आप वहां पे डाल दीजिए। फिर आपसे पूछेगा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आपको सेलेक्ट करना है प्रोप्राइटरशिप या LLP, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड ट्रस्ट, जो भी आपका बिजनेस का टाइप है वो वहां पे आप सेलेक्ट करके भर दीजिए। फिर आपसे आपके बिजनेस का एड्रेस पूछेगा,
आप बिजनेस का एड्रेस डाल दीजिए पूरा डिटेल में, पिन नंबर के साथ में। फिर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस पूछेगा, आपके बिजनेस के पैन कार्ड पे जो भी डेट आ रही है वो डेट वहां पे डाल दीजिए। और अगर आप प्रोप्राइटरशिप हो, प्रोप्राइटरशिप के केस में आपका खुद का पैन चलता है, तो जब भी आपको याद हो आपने बिजनेस चालू किया है जिस भी डेट से, वो डेट आप वहां पे डाल सकते हैं। फिर आपसे आपका प्रीवियस रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स पूछेगा, अगर पहले आपने SSI का रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है तो वो SSI का रजिस्ट्रेशन वहां पे डालना है आपको, और अगर आपने पहले नहीं कराया हुआ तो आप इस फील्ड को इग्नोर कर सकते हो, नॉट एप्लीकेबल कर सकते हो। उसके बाद में आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स पूछेगा, तो आप अपने बिजनेस का करंट अकाउंट का डिटेल्स वहां पे डाल दीजिएगा। फिर आपसे पूछेगा मेजर एक्टिविटी, कि आप ये रजिस्ट्रेशन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए लेना चाहते हैं, कि आप सर्विस प्रोवाइड करते हो अपने बिजनेस के थ्रू, उसके लिए लेना चाहते हो। तो MSME रजिस्ट्रेशन, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन केवल इन दो कैटेगरीज को मिल सकती है, या तो आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो या कोई आप सर्विस प्रोवाइड करते हो। अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग करते हो, यानी कि माल लिया किसी से और उसको एज इट इज बेच दिया, तो आप MSME रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते हो, आप MSME रजिस्ट्रेशन के लिए, उद्योग आधार के लिए एलिजिबल नहीं हो। फिर आपसे आपके बिजनेस का कोड पूछा जाएगा, NIC कोड डालना है आपको वहां पे। NIC कोड आप गूगल पे सर्च करके डाल सकते हो। फिर आपने अपने बिजनेस में कितने लोगों को जॉब दिया हुआ है, नौकरी पे रखा हुआ है, वो डिटेल डालना है आपको, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की। फिर सेकंड लास्ट फील्ड में आपसे पूछेगा इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी में आपने जो भी पैसा लगाया हुआ है वो आप वहां पे डाल सकते हो, या प्लांट एंड मशीनरी के अलावा अगर आपने कोई इक्विपमेंट परचेस किया हुआ है तो इक्विपमेंट की वैल्यू भी वहां पे डाल सकते हो। और लास्ट में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर की डिटेल मांगेगा, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर आप जो ऊपर में अपना पोस्टल एड्रेस भर के आए हो उसके बेसिस पे नीचे एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में एक से ज्यादा सेंटर्स होंगे तो ड्रॉपडाउन में दिखाएगा, आपके एरिया के मुताबिक आप अपना सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो। बस इतना ही करना है आपको, इतना करने के बाद में OTP के साथ में आप सबमिट कर सकते हो फॉर्म को, और जैसे ही सबमिट करोगे आपका उद्योग आधार वहीं पे जनरेट होके आपको मिल जाएगा, जो आप सेव करके रख सकते हो। पर दोस्तों, उद्योग आधार जनरेट करा के रखना पूरा कंप्लीट काम नहीं है, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में आपको MSME डाटा बैंक भी अपना अपडेट करना पड़ेगा, अपने बिजनेस का अपडेट करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट के पोर्टल पे उसको अपडेट करके रखना पड़ेगा, और उसको एक्टिवेट भी करा के रखना पड़ेगा। तो ये दोनों काम जब पूरे हो जाते हैं तब आपका MSME रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। ज्यादातर लोग फर्स्ट पार्ट कराते हैं, सेकंड पार्ट भूल जाते हैं, और फिर जब वो कोई बेनिफिट लेने के लिए कहीं जाते हैं बैंक में या कहीं पे, तब उन्हें पता चलता है कि अरे हमारा तो डाटा बैंक अपडेट ही नहीं है, फिर हड़बड़ी में उनको अपना डाटा बैंक अपडेट कराना पड़ता है। तो बेटर है कि पहले से ही अपना डाटा बैंक अपडेट करा के रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। इन केस आपको अपने बिजनेस के लिए उद्योग आधार लेना हो, MSME रजिस्ट्रेशन कराना हो, और आपको फॉर्म भरने में कोई डिफिकल्टी परेशानी आ रही है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, आप उसको फिल कर दीजिए, हम आपको कॉन्टेक्ट कर लेंगे और आपकी मुश्किल आसान कर देंगे।